दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके अपने YouTube चैनल पर 4K क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी होंगी वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए आपका PC थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास 4K मॉनिटर है तो बहुत अच्छी बात है, और 4K मॉनिटर नहीं है, 1080p मॉनिटर है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा 1080p मॉनिटर को आप 4K मॉनिटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी होंगी। तो मैंने यहां पर अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहां पर मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है, अपना एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो यहां पर प्ले कर रखा है, इसे मैं यहां पर रोक देता हूं। सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करो और उसके बाद जाना है वीडियो पर क्लिक करो। अब आप यहाँ देख रहे हो बेस कैनवास रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है, एक आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है। अब ये जो बेस रेजोल्यूशन होता है ये आपके मॉनिटर का रेजोल्यूशन यहाँ पर शो होता है। यहाँ पर हमारा 1920x1080p शो हो रहा है, यानी हमारा जो मॉनिटर है वो 1080p मॉनिटर है। अब इसके आगे जो आप एरो देख रहे हो तो इसमें आपको 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा अगर आपका मॉनिटर 4K क्वालिटी का नहीं है। अगर आपका 4K मॉनिटर है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ दिखने लगेगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए अगर हमारा रेजोल्यूशन ही 4K क्वालिटी का नहीं है तो लाइव स्ट्रीमिंग कैसे होगी 4K में? तो सबसे पहले हमें यहां पर 4K क्वालिटी का मॉनिटर चाहिए होगा। अब यहां पर जो आउटपुट स्केल आप देख रहे हो ये आपका वो आउटपुट है जो आपके YouTube पर जाएगा, यानी जो आउटपुट आप रेजोल्यूशन आप आउटपुट का देना चाहते हो वो भी आपका 4K का होना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हो 4K का कोई ऑप्शन हमें यहां दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा मॉनिटर है 1080p का। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरा जो 1080p का मॉनिटर है इसके रेजोल्यूशन को 4K में कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपके PC के अंदर NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, तब आप 1080p मॉनिटर को भी 4K क्वालिटी के रेजोल्यूशन पर सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले का मैं आपको रेजोल्यूशन दिखाता हूं। यहां पर राइट क्लिक करो, इसमें आपको डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब यहां पर हमारा जो आता है ना रेजोल्यूशन सेट करने का, ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन यहां पर आपको दिखाई देगा। इसके आगे यहां से आपको 4K सेट करना है रेजोल्यूशन। यहां पर देखो क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो आप देखोगे यहां पर जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमारा यहां शो हो रहा है 1920x1080p शो हो रहा है, यानी हम यहां पर 4K क्वालिटी का कैसे करेंगे जब हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर रेजोल्यूशन, 4K क्वालिटी का आ ही नहीं रहा है हमारे डिस्प्ले सेटिंग में, ये आप देख रहे हो नहीं आ रहा है ना। तो इसे बंद कर दो। अब आपको क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करो और यहां पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा शो मोर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो। अब यहां पर आपको NVIDIA कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो। अब यहां पर हमारा NVIDIA कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं 3D सेटिंग्स, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। मैनेज 3D सेटिंग का ऑप्शन यहां ओपन हो गया। अब इसमें आपको यहां पर नीचे की तरफ सर्च करना है, यहां पर आप जाओगे तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा DSR फैक्टर, ये आप देख रहे हो DSR फैक्टर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, ये यहां पर अभी ऑफ हो रखा है तो यहां से हमें इसे ऑन कर देना है, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, एक तो आपको ये 2 वाला सिलेक्ट कर लेना है, एरो लगा देना है, इस पर टिक कर देना है, और उसके बाद एक 4 वाला जो ऑप्शन आ रहा है 4%, इसको भी हमें टिक कर देना है, ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो अप्लाई का बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना, थोड़ी देर के लिए ये एक तरह से रिफ्रेश होगा और आपके मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन है सेटिंग्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो इसे आपको ऑफ कर देना है, जो NVIDIA का कंट्रोल पैनल है इसे हम बंद कर देते हैं और वापस से अपने मॉनिटर का रेजोल्यूशन चेक करेंगे। उसके लिए जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग पर। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है इसके आगे जब आप टिक करोगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन हमें मिलने लगा है। पहले केवल यहां तक आ रहा था 1080p तक, लेकिन अब ये 4K क्वालिटी तक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 4K वाला सिलेक्ट कर लो, अब आपका मॉनिटर 4K रेजोल्यूशन को कन्वर्ट कर लेगा। यहां आ रहा है कीप चेंज, आपको कीप चेंजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कीप चेंजेस पर क्लिक करोगे अब आपका मॉनिटर 4K रेजोल्यूशन में सेट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको इसे बंद कर देना है, इसे यहां से आप ऑफ कर दीजिए और उसके बाद हम अपने OBS स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमारा OBS स्टूडियो ओपन हो गया, उसके बाद हम यहां पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से जाएंगे वीडियो पर और उसके बाद यहां पर जो हमारा वेस कैनवास रेजोल्यूशन आ रहा है इस पर टिक करेंगे। तो अब आप यहां पर देख सकते हो हमारा 4K रेजोल्यूशन OBS के अंदर भी दिखाई देने लगा है। अब आपको OBS स्टूडियो के अंदर और क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बेस कैनवास रेजोल्यूशन को हम 4K क्वालिटी में सेलेक्ट कर लेंगे।
आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन को भी हम 4K क्वालिटी में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमन FPS वैल्यू, यहाँ पर 30 FPS मैंने सेट कर रखा है। यहाँ पर आपको आउटपुट पर जाना है, आउटपुट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक 1 सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियो एनकोडर आपको ये वाला सिलेक्ट करके रखना है, FFmpeg AAC। और उसके बाद वीडियो एनकोडर में आपको NVIDIA अपना जो ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA NVNC H264 सिलेक्ट कर लेना है और रीस्केल आउटपुट डिसेबल्ड रखना है। इसके अलावा जो आपकी एनकोडर सेटिंग है वो आपको CVR रखनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जो इसका विटरेट है वो आपको 15,000 kbps रखना है। यानी आपको अगर 4K क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इसका जो विटरेट है वो 13,000 kbps से कम तो किसी हालत में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर 15,000 रखा हुआ है, तो आप भी इसे 15,000 kbps सेट कर लो। की फ्रेम इंटरवल 0 रखना है, प्रीसेट PS स्लो गुड क्वालिटी रखना है, ट्यूनिंग हाई रखनी है और ये मल्टीपर्पज मोड 2 पास क्वार्टर रेजोल्यूशन ये ही रखना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। ये डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी। प्रोफाइल हाई रखना है, GPU 0 रखना है और मैक्स बी फ्रेम 2 रखना है। ये सब करने के बाद अब आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इसे सेट करोगे, अब आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पर वीडियो अपनी लगा रखी थी वो अपने आप ही यहाँ पर छोटी हो गई। छोटी इसलिए हो गई क्योंकि हमारा ये वाला जो हिस्सा था ना, पूरा हमारा OBS की जो स्क्रीन थी, अब वो 4K में कन्वर्ट हो चुकी है। ये तो हमारा 4K का हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी वीडियो है इसको मैं यहाँ पर रीस्केल कर देता हूँ। या तो आप ऐसे खींच के इसको सेट कर दो, नहीं तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स ऐड हो रखा है मीडिया सोर्स, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ पर आपको फिट टू स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पर 4K क्वालिटी में सेट हो चुकी है। इसका जो रेजोल्यूशन है अब 4K क्वालिटी में यहाँ पर सेट हो चुका है। इस तरह से अब जब वीडियो आप प्ले करोगे तो ये 4K क्वालिटी में हमारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपल लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर। तो जब आप अपना YouTube चैनल ओपन करोगे, यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है, क्रिएट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गो लाइव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेड्यूल स्ट्रीम पर क्लिक कर देना है और कोई भी यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएट कर लेनी है, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग आपको करनी है। अब यहाँ पर आपको अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब दे देना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्टिंग 4K लाइव, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख देना है। सारी सेटिंग आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आपको अपना थंबनेल वगैरह जो भी लगाना है वो सब सेटअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसे मैं अभी फ़िलहाल प्राइवेट ही रखने वाला हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम की दिखाई देगी, इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वापस जाना है अपने OBS स्टूडियो पर। तो यहाँ पर OBS स्टूडियो पर वापस आने के बाद अब आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, स्ट्रीम पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यूज स्ट्रीम की एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और उस स्ट्रीम की को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा सेटअप पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे लाइव कंट्रोल रूम पर, यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर 4K क्वालिटी में पहुँचने लगेगी। तो यहाँ से हम कर देते हैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग। यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारा यूट्यूब का लाइव कंट्रोल रूम, यहाँ पर हमारे OBS स्टूडियो की फुटेज यहाँ पर आ रही है और मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक कर देता हूँ, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आ रहा यू आर लाइव, यानी यूट्यूब पर अब हम लाइव हो चुके हैं। यहाँ से मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर इस वीडियो को प्ले कर रखा है, जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखो नीचे 4K लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वालिटी है वो हमारी 4K क्वालिटी यहाँ पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की हो रखी है। ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारी चल रही है। तो यहाँ पर जो बिटरेट है वो आपको 15,000 सेट कर देना है। मिनिमम आप इसे 13,000 रख सकते हो और मैक्सिमम आप 35,000 या 34,000 तक भी रख सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपका PC जो है वो कितना तगड़ा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना तगड़ा है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके YouTube पर 4K क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।